हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। तो देखिए, उसके लिए हमने एक बड़ी सी मीडियम साइज की हमने प्याज कट कर ली है, इसको अच्छे से धुल करके। फिर देखिए, ये भिंडी है, हमने इसको भी अच्छे से धुल लिया है, फिर इसको हमने कट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने एक कढ़ाई में सरसों का तेल दो पराई डाल लिया है, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छे से चला लेंगे। प्याज को हम बिल्कुल ब्राउन करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से हम भिंडी की भुजिया बनाएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। तो देखिए, अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे, अभी नमक बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। इससे क्या है कि भिंडी जो है हमारी बिल्कुल गल जाती है, इसके लिए भिंडी में नमक हम बाद में डालेंगे। एक स्पून हम इसमें पिसा हुआ मिर्चा ऐड कर देंगे। इसमें हम हरा मिर्चा नहीं डालेंगे, क्योंकि हरी भिंडी है, हरा मिर्चा है, उसमें मिक्स हो जाएगा। इसमें हम पिसा हुआ ही मिर्चा डालेंगे और इसको हम भिंडी को ढकेंगे नहीं, और इसको थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहेंगे। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी देर पे हम भिंडी को चलाते रहेंगे, इससे जो है हमारी भिंडी जो है टूटेगी नहीं, बहुत अच्छी भुजिया बन के तैयार होगी। तो देखिए, भिंडी को हम ढके हुए रही हैं और भिंडी जो है बिल्कुल गल चुकी है, जो सिस्टम हाथों से टूट जा रही है, बहुत अच्छी सी। अब हम इस पर नमक डाल देंगे। नमक हम पहले नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर और चला लेंगे और 5 मिनट अभी और रहने देंगे। देखिए, देखने में इसका कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल खड़ी भिंडी है। और अगर हम ढक के पकाएंगे तो भिंडी जो है हमारी बिल्कुल चूर हो जाएगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं सब्जी जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए, बिल्कुल गल चुकी है भिंडी, देखिए देखिए एकदम गल चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए, हमने भिंडी की सब्जी को सर्व कर दिया है। देखने में देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसको पराठे से खाइए, रोटी से खाइए, दाल चावल के साथ खाइए। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए।